दर्शन को व्यास भगवान दर्शन मानते हैं। भले ही किसी के मत में स्वप्न मिथ्या हो, पर स्वप्न में जो प्रभु कृपा पूर्वक पधारे हैं वे तो परम सत्य हैं। उनको मिथ्या कहना भगवत अपराध। सबके सपने में भगवान भी नहीं आते, तो किसी किसी भाग्यशाली के स्वप्न में आते हैं। भगवत स्वरूप महापुरुष और भगवान ये सबके स्वप्न में नहीं आते। इसी वृंदावन की घटना है। पंडित श्री मोतीराम जी नर्मदा क्षेत्र के विप्र देवता थे, सब कुछ त्याग कर वृंदावन आ गए थे। बेनुगुणत कुंज जहाँ है वहाँ वो रह करके उन्हीं ने वो संतों के लिए भूमि लेकर के, और सब संत भजन करते थे, 3.5 लाख नाम जप सब करते थे, और पंडित जी रोटी मांग करके लाते थे मधुबनी में, संतों को जिमाते थे। इतनी सामर्थ्य नहीं थी, साधु केवल भजन करो रोटी मांग के हम लाए। पंडित श्री मोतीलाल दर्शन किया हमने उनका, उनको तपेदिक हो गई, पुरानी बीमारी थी टीवी की, फिर वो कड़ाई टीवी हो गई, क्षय रोग हो गया, गरीबी थी क्या करें, वहां खून का भवन होने लग गया। तो अब बेचारे सेवा तो नहीं कर पाएंगे, साल संत लोग सेवा करने लगे तो इतने दुखी हो गए कि एक दिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आए तो थे संतों की सेवा के लिए, उल्टे संत ही सेवा कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हमारा शरीर छूट जाए। भगवान से प्रार्थना, जिस दिन भगवान से प्रार्थना किया उसी रात्रि को स्वप्न में एक संत आए, एक लकुट लिए हैं और एक कंधे पर उनकी झोली है और एक कमंडल उनके हाथ में है, जटाजूट वाले हाथ में। सपने में उन्होंने संत को प्रणाम किया। अरे बोले पंडित जी रोते क्यों हैं, मरने की इच्छा मत करो, अभी तो बहुत दिन सेवा करनी है आपको। बोले महाराज जी सेवा कहाँ से करें, हमको तो टीबी हो गई है और अब शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया, और अब उल्टे साधु सेवा कर रहे हैं, हमारा तो शरीर छूट जाए। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, हम तुमको दवाई देने आए हैं। उन्होंने अपनी झोली में से पुड़िया निकाली और पुड़िया हाथ में दे दी, लो इसको अपनी तकिया के नीचे रख लो, सवेरे जब उठना तो जल पीते हो सुबह उठ के, हाँ पीते तो हैं, तांबे के लोटा में जल रखा था, इस पुड़िया को खा करके जल पी लेना, ठीक हो जाओगे, अब बहुत दिन तक जियोगे, बहुत दिन तक सेवा करोगे। वो कहे संत सपने में चले गए, ये जगे तो सोचने लगे हम तो सपना देख रहे थे, कोई महात्मा पुड़िया देखे गए, कहा तकिया के नीचे रख लो, हमने सपने में तकिया के नीचे रख दिया, और कोठरी बंद है, खुला नहीं है कमरा, कमरा बंद है। उन्होंने तकिया देखी तो पुड़िया निकली, अब बोलो सब सपने को झूठा बोलोगे, पुड़िया निकली और उन्होंने पुड़िया फाँक करके वो एक लोटा तांबे का लोटा था, एक लोटा जल पी लिया। इसके बाद पीते ही उनको लगा कि हमारे शरीर में बड़ी स्फूर्ति आ गई, कमजोरी खत्म, और उठ करके अपने सब काम में लग गए। लोगों को आश्चर्य हुआ कि तो उठ नहीं पाते थे, उठाना पड़ता था, ये क्या हो गया। तब फिर चेकअप कराने मथुरा गए तो डॉक्टर का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आखिरी स्टेज की टीवी जो मरने के साथ ही जाएगी, उसने कहा इनके भीतर कोई टीवी का कीटाणु नहीं, पूर्ण स्वस्थ है। इस घटना के लगभग 20 वर्ष बाद तक पंडित जी का शरीर रहा। हमारे महाराज जी के पास आते थे वो पंडित मोतीलाल। स्वप्न में भी भगवान का दर्शन, संत का दर्शन, सदगुरु का दर्शन हो तो उसे कोरी कल्पना मत मानो, अनुग्रह मानो, कृपा मानो, उनका दर्शन हो रहा है। कई बार लोग बहुत जल्दी जल्दी अपने स्वप्नादि का प्रकाश